हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे आप सब लोग? वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम मैम। जी आई थिंक सो मैक्सिमम लोगों ने ज्वाइन कर लिया, तो हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आप लोगों का कोई और कोई कंसर्न है तो आप। हाँ जी, आपको लिंक का इशू आ रहा था हमें कि वो लिंक का इशू आ रहा था क्योंकि हमारे पहले कुछ बच्चों का सेक्शन बी था, बाद में उन्होंने सेक्शन बी बाद में मर्ज किया सेक्शन सी के साथ, तो जो सेक्शन बी के स्टूडेंट्स थे उनको सेक्शन सी नहीं इशू रहा था एलएमएस पे। तो अभी भी हमें ग्रुप में किसी ने लिंक सेंड किया है तो वहां पे हमें फिर ज्वाइन किया हमने, वरना हमें लिंक नहीं मिल रहा था। ठीक है, मैं आज ही कोऑर्डिनेशन उनने जो है जिन मर्ज करना है उनका कोई इशू चल रहा होगा, मैं आज कोऑर्डिनेटर से बात करूंगी कि जिन लोगों को आपने मर्ज किया है वो एलएमएस पे भी मर्ज करते हैं ताकि बच्चों का ये प्रॉब्लम ना हो। ठीक है मैम, रात तक शो हो रहा था, ये सुबह ही कोई इशू हुआ। चलें वो एलएमएस को जो है प्रॉपरली मर्ज कर देंगे सेक्शंस को, तो फिर ऐसा मसला नहीं होगा होपफुली।
मैम लास्ट क्लास में भी जो था लिंक का पता ही नहीं था कि एलएमएस पे है या कहाँ पर है, तो मेरे लास्ट टाइम काफी एलएमएस पे था बच्चे ही नहीं क्लास था में ज्वाइन वो। की थी और आपने अटेंडेंस भी ली थी फर्स्ट क्लास में। हाँ जी, तो लास्ट टाइम एलएमएस पे था ही नहीं, मैंने आप सबको ईमेल की थी, ईमेल किया था लिंक। तो हाँ मैम जब मेरे फिर लिंक एलएमएस पे था तो मैंने उसको आप सबको इन्फॉर्म कर दिया था कल ही कि नाउ इट विल बी ऑन एलएमएस। ठीक है, आपको सारे अपने लिंक्स जो है वहां पे ही मिलेंगे, तो आप एलएमएस के थ्रू ही अपनी जो है मीटिंग्स ज्वाइन किया करोगे। मैम बाकी मैंने एलएमएस का जो आपको प्रॉब्लम मेल चल रहा है मैं की थी, कोऑर्डिनेटर से मुझे बात कर कोई भी लूंगी। आपकी मेल रिसीव नहीं हुई, ना ही एलएमएस वाली और ना ही जो आपने पहला लिंक। बेटा अगर आप ए पोर्टल पे शो हो रहे हो बी सेक्शन सी सेक्शन मैम में, तो मुझे आपकी ऑब्वियसली फिर मेल्स आपको रिसीव रिसीव नहीं होती है। ओवी होगी। मैं दोबारा से उस पे लिस्ट डाउनलोड कर लूंगी अगर आप लोग बाद में इनरोल मैम हुए वहां पे, के तो मैं उसको मॉडिफाई कर लूंगी लिस्ट को। फर्स्ट लेक्चर की अटेंडेंस पे बेटा आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही। मैम हम ए पोर्टल पे सेक्शन बी में शो हो रहे हैं, वही ना, क्योंकि अब जो है उन्होंने मर्ज किया है। तो मैं आज वही बात आपसे कर रही हूँ कि कोऑर्डिनेटर से बात करूंगी आप लोगों को एलएमएस पे भी मर्ज करें ताकि आप लोगों का ये प्रॉब्लम खत्म हो। मैम ईमेल भी काफी सारे बच्चों को रिसीव नहीं हुई थी, मुझे भी रिसीव नहीं हुई। क्योंकि आप लोगों की मैंने एलएमएस से ही आप लोगों की लिस्ट ली है। ठीक है, अगर एलएमएस पे आप लोगों का मर्ज नहीं हुआ हुआ था ना, तो फिर इसी वजह से ये प्रॉब्लम आई है। अगर जब ये वो मर्ज कर देते हैं तो फिर उसको लिस्ट को जो है वो मॉडिफाई कर लूंगी मैं, तो फिर जो है वो हो जाएगा। ठीक है, तो मैम फिर अटेंडेंस जो फर्स्ट लेक्चर में हुई थी, क्योंकि मैंने किसी से पूछा था, वो कह रहे थे कि मेरा अटेंडेंस पे नाम था तो वो मेरी एब्सेंट लग गई थी फर्स्ट क्योंकि लेक्चर। ए पोर्टल पे तो शो हो रहा है। अगर आप अब ए पोर्टल पे शो हो जाते हो ना, तो आप ऑटोमेटिकली एलएमएस पे इनरोल हो जाते हो। लेकिन एलएमएस पे भी आपका सेक्शन का प्रॉब्लम आ रहा है कि आप लोग बी सेक्शन में शो हो रहे हो, और बी सेक्शन के सारे सी में मर्ज नहीं हुए हुए। कुछ बच्चे जो है ए में गए हैं, कुछ सी में हैं, कुछ डी में गए हैं, तो वहां से भी आपकी लिस्ट नहीं ली जा सकती, क्योंकि आप आई डोंट नो कि कौन से बच्चे ए में गए हैं, सी में या डी में। तो एलएमएस पे जब ये मर्ज होगा तो फिर आप लोगों का ये प्रॉब्लम रिजॉल्व होगा। बाकी अटेंडेंस का जो इशू है उसको इतना बॉदर ना करो यार, प्लीज। क्यों, एक अटेंडेंस से कुछ नहीं होता। ठीक है, आप नेक्स्ट अपनी क्लासेस जो है प्रॉपरली ज्वाइन करो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है मैम, थैंक यू। ठीक है, अब मैं लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मैम लोग आ चुके हैं, तो अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन होगा इसमें तो आप लोग राइट डाउन कर लेना अपना क्वेश्चन। ठीक है, एट द एंड ऑफ द लेक्चर आप लोग मेरे से अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो। ट्राई करना कि जो है ड्यूरिंग द लेक्चर अपने क्वेश्चंस को अवॉइड करो, ताकि हम एक फ्लो के साथ जो है अपना लेक्चर कंटिन्यू रखें। और एट द एंड ऑफ द लेक्चर आप लोग अपने जो भी आप लोगों के क्वेश्चन होंगे आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज का बेसिकली जो टॉपिक है हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन टू मॉलिकुलर बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स। बेसिकली हमारे जो है हमारा इसका नेम है कोर्स का, इट्स क्या है, मॉलिकुलर बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स। तो इन दोनों का जो इंट्रोडक्शन है कि व्हाट इज मॉलिकुलर बायोलॉजी एंड व्हाट इज जेनेटिक्स, तो आज के टॉपिक में जो है, आज के लेक्चर में हम जो है वो बेसिक्स पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे।
ये चीजें आपने पहले भी पढ़ी हुई इन द जेनेटिक्स, ठीक है. तो ये एक ओवरव्यू होगा बेसिकली, और कुछ नई चीजें होंगी ऑब्वियसली. तो हम जो है आज इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन टू मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स. सो द क्वेश्चन इज व्हाट इज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ठीक है. तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो है आप लोगों को सबको पता होगा, इट्स इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच. इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच हम किसको कहते हैं कि मतलब वो एक ही सिंपल ब्रांच नहीं होती, वो डिफरेंट ब्रांचेस का जो है इंटरलिंक्ड होती है, ठीक है. मतलब हम वो उसमें बायोकेमिस्ट्री भी यूज कर रहे होते हैं, उसमें हम माइक्रोबायोलॉजी भी यूज कर रहे होते हैं, हम उसमें जो है वायरोलॉजी भी यूज कर रहे हैं, हम उसमें डिफरेंट टेक्निक्स का जो मिक्सचर है वो यूज करके एक नई ब्रांच बनाते हैं. सो बेसिकली मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी जो है वो इट्स अ इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच है, इट्स अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, ठीक है, जिसमें हम डिफरेंट बायोमोलिक्यूल्स को स्टडी करते हैं. कौन से बायोमोलिक्यूल्स? जो फंडामेंटल्स हैं हमारे. फंडामेंटल्स बायोमोलिक्यूल्स कौन से होते हैं? जो बेसिकली डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन्स है, ठीक है, जो हमारी इनहेरिटेंस में आ रही हैं, जो हमारी लाइफ में जो है बेसिक रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है. तो इनमें हम बेसिक फंडामेंटल जो बायोमोलिक्यूल्स हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं, उनके आपस में इंटरेक्शन क्या है, कि मतलब डीएनए से आरएनए कैसे बनता है, आरएनए से नेक्स्ट प्रोटीन्स कैसे बनेगी. तो इनका ये जो इंटरेक्शन है और इनकी जो कन्वर्जन है वो किस तरह से हो रही है, और इसके बाद इनकी जो कन्वर्जन है उसमें जो ये रेगुलेट किस तरह से हो रही है, और इसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या आ सकती हैं. तो ये सारी चीजें जो है वो हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में स्टडी करेंगे. This field overlaps with other areas of biology and chemistry. ठीक है, वही बात है, इट्स एन इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच और इसमें हम बाकी एरियाज को भी ओवरलैप्स करेंगे, पर्टिकुलरली जेनेटिक्स एंड बायोकेमिस्ट्री. मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की फ्री कंसर्न इटसेल्फ विद अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द बायोमोलिक्यूल्स, वो डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन्स, उनकी बायोसिंथेसिस और उनकी इंटरेक्शन. Much of the work in molecular biology is quantitative. ठीक है, quantitative यहाँ पे क्या मतलब है? ठीक है, quantitative का मतलब है कि हम किसी भी चीज का रिजल्ट जो है इन नंबर्स हमारे पास आ जाए. ठीक है, अगर किसी बॉडी में कोई वायरल है, कोई वायरल डीएनए है, तो डीएनए कितना है, मतलब वायरल लोड कितना है हमारी बॉडी में आ चुका है, या अगर कोई चीज प्रेजेंट है तो वो कितनी अमाउंट में प्रेजेंट है. तो जब कोई चीज हमारे पास नंबर्स में आ जाती है तो उसको क्वांटिटेटिव कहा जाता है. तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के जो वर्क है वो भी बेसिकली जो है वो क्वांटिटेटिव है. अब क्वालिटेटिव क्या होता है? क्वालिटेटिव कोई भी चीज हम तब उसको कहते हैं जब हम उसकी करैक्टरिस्टिक को जो है वो स्टडी करते हैं, लाइक इफ इट इज प्रेजेंट और नॉट, यस और नो. ठीक है, तो वो क्वालिटेटिव होता है. जब हम वही चीज अगर प्रेजेंट है तो और कितने अमाउंट में प्रेजेंट है तो उसको क्वांटिटेटिव कहा जाता है. तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बेसिकली इट्स अ क्वांटिटेटिव वर्क. And recently work has been done at the interface of molecular biology. और अब further इसमें advancement आ गई है कि molecular biology further जो है उसमें advance किस तरह से है, उसमें हमने bioinformatics को add किया, ठीक है, और computational biology, ये सारे जो है different computer based जो है वो techniques हैं जो कि हमने add किए हैं molecular biology में for further advancements. हमारा जो ये मॉलिकुलर बायोलॉजी का वर्क था बेसिकली, इसमें लेट 1950s और अर्ली 1960s में इसमें मॉलिकुलर बायोलॉजिस्ट ने इसको करेक्टराइज कर लिया था. मतलब इसमें जो हमने बायोमोलिक्यूल्स पढ़ने हैं उसको करेक्टराइज कर लिया था, उसको आइसोलेट कर लिया था. आइसोलेट मतलब सेपरेट कर लिया था फ्रॉम द डिफरेंट फ्रॉम द सेल. फिर उसका जो है मैन्यूपुलेट भी कर लिया था, मतलब उस पर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स भी कर लिए थे. अब वो बायोमोलिक्यूल्स कौन से हैं? दैट इज डीएनए. डीएनए को हम रिपोजिटरी ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि डीएनए आप सबको पता है वो एक्ट करता है एज ए जेनेटिक मटेरियल. जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को जो है पास ऑन करता है टू द जनरेशंस. आरएनए को भी स्टडी कर चुके थे. आरएनए क्या है? क्लोज रिलेटिव ऑफ डीएनए. ठीक है, मतलब आप सबको पता है कि डीएनए जो है वो डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है और आरएनए जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है, और इन दोनों के बेसिस सीक्वेंस जो है वो मिलते जुलते हैं, इनका जो सीक्वेंस है वो भी मिलता जुलता है.
इसके अलावा प्रोटीन्स जो थर्ड बायो मॉलिक्यूल है कि वो उसका स्ट्रक्चर क्या है, एंजाइमेटिक टाइप क्या है उसके, तो ये सारी चीजें जो हैं वो स्टडी हो चुकी थी 1950s टू 1960s. अब फर्दर जो है इस टेक्निक्स में एडवांसमेंट आ रही है कि हम उसको बेहतर तरीके से किस तरह से कर सकते हैं. सो कंपोनेंट्स इन्वॉल्व इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? इट्स अबाउट द डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन. डीएनए आप सबको पता है क्या है, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, ठीक है. और इसमें ये जो है डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है, एज ए जेनेटिक इंफॉर्मेशन एक्ट करता है. इट कंटेन्स जीन्स दैट पास ऑन टू द जनरेशन एंड पास ऑन टू द इनहेरिटेंस. उसके बाद डीएनए जो है जब उसकी इंफॉर्मेशन कोड होती है, कॉपी होती है, तो उससे मैसेंजर आरएनए बनता है. आरएनए अब क्या है, आरएनए इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल, ठीक है. इसमें भी बेसल सीक्वेंस जो है वो थोड़ी उसी से होते हैं, सिर्फ एक बेस का डिफरेंस होता है यूरेसिल का, ठीक है. और ये सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल होते हैं और ये इंफॉर्मेशन को कॉपी करता है फ्रॉम द डीएनए. फिर आरएनए से जो है फर्दर आगे प्रोटीन्स बनती हैं. आरएनए में जो इंफॉर्मेशन डीएनए से कॉपी होती है वो इंफॉर्मेशन राइबोसोम यूज करते हैं और उस इंफॉर्मेशन को यूज करके स्पेसिफिक प्रोटीन्स बनती है हमारी बॉडी में. सो दीज आर द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी. नाउ द नेक्स्ट फिनोमेना इज सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी. अब इस टेक्निक से क्या मतलब है, सेंट्रल डोगमा क्या है? तो सेंट्रल डोगमा बेसिकली फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है, सीक्वेंस ऑफ फ्लो जो इंफॉर्मेशन है उसको हम सेंट्रल डोगमा कहते हैं. अब ये फ्लो ऑफ सीक्वेंस क्या है या सीक्वेंस क्या है जिसमें जो है फ्लो हो रही है इंफॉर्मेशन, वो क्या है कि डीएनए से जो है वो मैसेंजर आरएनए बनता है जिसको हम ट्रांसक्रिप्शन भी कहते हैं, और फिर मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन्स बनती है जिसको हम ट्रांसलेशन का प्रोसेस कहते हैं, ठीक है. तो ये दोनों जो है ये कॉन्सेप्ट्स को हम सेंट्रल डोगमा ऑफ लाइफ कहते हैं. और ये इस तरह से ही फ्लो होता है इस सीक्वेंस का, के डीएनए से आरएनए बनेगा, न्यूक्लिक एसिड से नेक्स्ट न्यूक्लिक एसिड बनेगा और फिर न्यूक्लिक एसिड यूज होके प्रोटीन्स बनेंगे. तो दिस इज अ फ्लो ऑफ सीक्वेंस और ये इसी सीक्वेंस के साथ इंफॉर्मेशन जो है फ्लो करेगी, मतलब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में ही नहीं जा सकती. प्रोटीन से दोबारा से न्यूक्लिक एसिड नहीं बन सकता, प्रोटीन से दोबारा मैसेंजर आरएनए नहीं बन सकता, प्रोटीन से दोबारा डीएनए नहीं बन सकता. तो दिस इज द ऑपोजिट फ्लो जो है इसमें नहीं हो सकता, इसमें यही फ्लो ऑफ सीक्वेंस रहेगा, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन्स, ट्रांसक्रिप्शन एंड देन ट्रांसलेशन. सो दिस फिनोमेना, दिस कॉन्सेप्ट इज द सेंट्रल डोगमा ऑफ लाइफ, इसको कहा जाता है, या फिर सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी. सो द सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है इज इन एक्सप्लेनेशन ऑफ द फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन विद इन अ बायोलॉजिकल सिस्टम, ठीक है. हम बायोलॉजिकल सिस्टम ही पढ़ रहे हैं ना, कि डीएनए से जो है आगे इंफॉर्मेशन कोड किस तरह से हो रही है. तो ये जो फ्लो ऑफ सीक्वेंस है, फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, इसको सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहा जाता है. ये जो टर्म है इसको फर्स्ट टाइम जो स्टेट किया था बाय फ्रांसिस क्रिक इन 1957 और ये कॉन्सेप्ट पब्लिश हुआ था इन 1958, ठीक है. तो ये इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग क्या है कि दिस स्टेट्स दैट वंस इंफॉर्मेशन हैज पास्ड इनटू प्रोटीन इट कैन नॉट गेट आउट अगेन, ठीक है. मतलब प्रोटीन से दोबारा ये न्यूक्लिक एसिड में कन्वर्ट नहीं होती इंफॉर्मेशन. इन मोर डिटेल्स the transfer of information from nucleic acid or from nucleic acid to protein, ठीक है. न्यूक्लिक एसिड टू न्यूक्लिक एसिड का क्या मतलब, मतलब डीएनए से आरएनए और फिर आरएनए से आके जो है प्रोटीन में जो है ये सीक्वेंस आता है. इट मे बी पॉसिबल बट ट्रांसफर फ्रॉम प्रोटीन टू प्रोटीन, ठीक है, फ्रॉम प्रोटीन टू न्यूक्लिक एसिड इज इम्पॉसिबल. मतलब प्रोटीन फर्दर आगे प्रोटीन नहीं बना सकती है, प्रोटीन फर्दर जो है वापस न्यूक्लिक एसिड नहीं बना सकते. So it's an impossible. So this is the flow of genetic information or isko hum central dogma of life kehte hain. Ye concept jo hai ye dobara restate hua in 1970 aur ye publish hua nature ke journal hai, basically international journal hai jo sabse famous hai aur jisme high impact researches jo hai wo publish hoti hain.
तो ये दोबारा से 1970 में जो है ये प्रोसेस ये रीस्टेट हुआ, और उसके अकॉर्डिंग फिर क्या हुआ कि द सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी डील्स विद द डिटेल्ड रेजिड्यू बाय रेजिड्यू, ठीक है, मतलब बेस टू बेस जो उसका सीक्वेंस है, ट्रांसफर ऑफ सिक्वेंशियल इंफॉर्मेशन, सिक्वेंशियल इंफॉर्मेशन मतलब इंफॉर्मेशन सीक्वेंस, और इसके रेजिड्यू बाय रेजिड्यू ट्रांसफर जो है इंफॉर्मेशन सीक्वेंस को जो है स्टडी किया जाता है इसमें. It states that such information cannot be transferred back. ठीक है, मतलब वही from protein to either protein or nucleic acid. ये इसका transfer back नहीं हो सकता. So this is a flow of sequences. This is the central dogma of life. This is again the pictorial representation. क्या मतलब DNA से RNA में convert होते हैं और RNA से protein. बहुत rare cases होता है कि RNA से DNA में convert हो सकता है, मतलब nucleic acid to nucleic acid transfer हो सकता है. ये किन cases में होता है? अगर आप लोगों ने जो है microbiology पढ़ी है तो उसमें आप लोगों को पता होगा कुछ viruses जो हैं वो उनमें RNA भी genetic material as act करता है. ठीक है, मतलब हम humans जो हैं उनमें DNA ही genetic material है, लेकिन कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें डीएनए भी ऐसे जेनेटिक मटेरियल एक्ट करता है और कुछ में आरएनए भी ऐसे जेनेटिक मटेरियल एक्ट करता है. तो उन ऑर्गेनिजम्स को जब हम उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं तो उनके आरएनए को हम पहले कम्प्लीमेंट्री डीएनए में कन्वर्ट करते हैं और फिर कम्प्लीमेंट्री डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनते हैं और फिर मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन की स्टडी करते हैं. सो मतलब के न्यूक्लिक एसिड टू न्यूक्लिक एसिड जो है वो कन्वर्जन हो सकती है, ठीक है, और फिर न्यूक्लिक एसिड से प्रोटीन में कन्वर्जन होती है, लेकिन इसके जो अपोजिट डायरेक्शन है मतलब प्रोटीन टू प्रोटीन और प्रोटीन टू न्यूक्लिक एसिड, ये कन्वर्जन या ये बैक फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो इम्पॉसिबल है. दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रल डॉग्मा. नेक्स्ट इज द हिस्ट्री ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, दैट व्हाई वी नीड दिस ब्रांच, हम इसकी जरूरत क्यों पड़ी है हमने, और क्योंकि हम बाकी चीजें जो हैं वो स्टडी कर रहे थे तो हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की तरफ में आए. तो मैं इसमें एग्जांपल जो है वो दूंगी माइक्रोबियल डायग्नोस्टिक मेथड्स की. ठीक है, हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की से पहले जो हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डायग्नोज करते थे लैब्स में वो डिफरेंट फिनोटिपिक टेक्निक्स के थ्रू करते थे. फिनोटिपिक टेक्निक्स क्या होती हैं? जो हमें फिजिकली नजर आती हैं, और वो उनमें कौन कौन सी हम यूज करते थे? हम बैक्टीरिया की मॉर्फोलॉजी देखते थे जी, बैक्टीरिया नजर किस तरह से आता है, रॉड्स में, वो कोकाई फॉर्म में या किस फॉर्म में, या फिर उनकी स्टेनिंग प्रॉपर्टीज देखते थे, स्टेन डिफरेंट स्टेन यूज करते थे, कलर्स यूज करते थे कि वो उसके साथ स्टेन हो रहा है या नहीं हो रहा, या फिर उनको डिफरेंट मीडियाज के ऊपर ग्रो करते थे कि वो डिफरेंट कौन से न्यूट्रिशनल मीडियाज के ऊपर ग्रो कर सकते हैं और किन कंडीशंस में ग्रो कर सकते हैं. So, इन सब टेक्निक्स को जो है वो जो हम स्टडी करते थे वो फिनोटिपिक टेक्निक्स थे और उनके थ्रू जो है हम बैक्टीरिया के नेक्स्ट फर्दर प्रोटीन्स और इंजाइम्स के जो है वो उसकी स्टडी की तरफ आते थे. तो ये ट्रेडिशनल डायग्नोस्टिक मेथड्स हैं, बट इनके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस थे इन टेक्निक्स के जो हम यूज करते कर रहे थे. इट्स कंटेन लेक ऑफ रिप्रोड्यूसेबिलिटी, हम इसमें जो है बहुत हाई इम्पैक्ट स्टडीज नहीं कर सकते थे. पुअर डिस्क्रिमिनेटरी पावर है, डिफिकल्टीज इन टाइपिंग है, जीनोमिक चेंजेस जो है वो हम स्टडी नहीं कर सकते थे, जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पैटर्न है वो हम प्रॉपरली स्टडी नहीं कर सकते थे कि कौन सी जीन्स में डिफरेंस आया जिसकी वजह से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो गई उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में, वो नहीं स्टडी कर सकते थे. इसके अलावा इसमें बहुत मैन पावर चाहिए होती है बिकॉज इट्स ऑल द वर्क डन बाय द हैंड्स. ठीक है, तो टेक्निकल मैन पावर कॉस्ट जो है वो बहुत ज्यादा थी. तो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ फिनोटिपिक मेथड्स. इन मेथड्स के बाद जरूरत पड़ी कि कुछ ऐसी टेक्निक्स होनी चाहिए जिनमें हमें ये जो है जो हमें मोर एक्यूरेट स्टडीज की तरफ लेके जाए. तो फिर जो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की तरफ जो है वर्क स्टार्ट हुआ. And this was started in the 1930s. The modern of molecular biology begins in the 1930s with the convergence of various previously distinct biological disciplines. ठीक है, मतलब सारे disciplines, different disciplines को जो है वो interdisciplinary एक branch में convert किया. और वो कौन कौन से हमने biological disciplines use किए? Biochemistry use की क्योंकि हम
इसमें भी जो है डीएनए को उनकी केमिकल नेचर भी पढ़ रहे हैं कि उसमें क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन सी बेसिस हैं, उसमें कौन से बॉन्ड्स हैं, जेनेटिक्स जीन्स के बारे में भी स्टडी कर रहे हैं, माइक्रोबायोलॉजिकल एग्जामिनेशन भी कर रहे हैं, वायरोलॉजी को भी हम स्टडी करते हैं इसमें, ठीक है, वायरसेस का जेनेटिक मटेरियल भी यूज करते हैं, उनको भी स्टडी करते हैं. तो इन सारे ब्रांचेस को हमने मिला के एक नई ब्रांच बनाई जो कि हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का नाम दिया, विद द होप ऑफ अंडरस्टैंडिंग लाइफ एट इट्स मोस्ट फंडामेंटल लेवल. ठीक है, दीज आर द मोस्ट फंडामेंटल लेवल ना, ये डीएनए आरएनए एंड प्रोटीन्स और उनके जो कन्वर्जन है और उनकी जो फ्लो ऑफ जेनेटिक मटीरियल है वो किस तरह से हो रहा है. तो ये फंडामेंटल लेवल पे हमने स्टडी करने के लिए एक न्यू ब्रांच जो है वो क्रिएट की, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी. इस ब्रांच का जो फर्स्ट टाइम नेम जो है कॉइन किया था वो वॉन वीवर ने किया था इन 1938. ठीक है, उसके बाद उसने अपनी एक फाउंडेशन बनाई, रॉकफेलर फाउंडेशन, जो कि उसने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का वर्क जो करने के लिए वो उसको क्रिएट किया. नेक्स्ट वॉटसन एंड क्रिक का जो है आप लोगों को सबको पता होगा कि उन्होंने क्या काम किया था, डीएनए की सीक्वेंस और डीएनए की शेप वो किस तरह से होती है, वो किस तरह का उसका स्ट्रक्चर है, उन्होंने उसको डिस्कवर किया था. द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वॉज डिस्क्राइब्ड बाय ब्रिटिश साइंटिस्ट वॉटसन एंड क्रिक एज लॉन्ग डबल हेलिक्स शुगर फॉस्फेट बैकबोन. उसमें शुगर फॉस्फेट बैकबोन होती है, उसके अंदर डिफरेंट बेसिस होती है और डबल हेलिक्स होता है जो, और ये दोनों हेलिक्स जो है वो एंटी पैरेलल होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं और इन दोनों के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स होती हैं. ये सारी चीजें हमने पढ़ी हुई हैं पिछले सेमेस्टर में, इसलिए हम इसकी जो है वो उसमें नहीं जाएंगे. आप सबको पता है कि डीएनए में क्या क्या चीजें और स्ट्रक्चर किस तरह से होते हैं. उसके बाद जो है इन्होंने डिस्कवर किया डीएनए, इसमें 1953 में जो है इसको डिस्कवर किया था. उसके बाद मार्च 1953 में जो है इन्होंने बिल्ड अ मॉडल, मॉडल एक क्रिएट किया कि किस तरह से जो है वो नजर आता होगा डीएनए. उसके बाद इनको जो है इस डॉक्यूमेंट, ये जो स्ट्रक्चर था इन्होंने जो क्रिएट किया वो जो है फर्स्ट टाइम पब्लिश हुआ नेचर में 25 अप्रैल को. ठीक है, तो ये इनका जो काम था, वर्क था, वो डॉक्यूमेंट हो गया नेचर में. उसके बाद इस काम के बेस पे इनको जो है नोबेल प्राइज दिया गया. तो उन्होंने जो है बेसिक काम जो है वो किया, इसके साथ बाकी साइंटिस्ट भी जो है उससे मिलके, तो हमारे पास आज मोस्ट डिसेंट फॉर्म जो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की है. नेक्स्ट इज द कॉमन टूल्स ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, कि हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में कौन कौन सी टेक्निक्स यूज करके जो है वो स्टडी कर रहे हैं जेनेटिक इंफॉर्मेशन को. सो ये टेक्निक्स हमने पढ़नी भी हैं डिटेल में, कौन कौन सी हैं. पीसीआर का नेम आप सबने सुना होगा, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसमें हम डीएनए आरएनए डिफरेंट जीन्स एंटीबॉडीज को डिटेक्ट कर सकते हैं. इसके अलावा प्रोब्स, हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस हम यूज करते हैं. हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है कि हम डिफरेंट कलर का जो है वो सीक्वेंस यूज करके स्पेसिफिक सीक्वेंस के अगेंस्ट उस स्पेसिफिक सीक्वेंस या स्पेसिफिक जीन्स को डिटेक्ट कर सकते हैं. न्यूक्लिक एसिड एंजाइम्स हम डिटेक्ट कर सकते हैं. माइक्रो एरे यूज कर सकते हैं. माइक्रो एरे क्या है, डीएनए आरएनए या जीन्स के अंदर उसका बेस सीक्वेंस क्या है, ठीक है, उसका सीक्वेंस क्या है, उस सीक्वेंस को हम स्टडी कर सकते हैं एट स्मॉलर लेवल. या फिर फर्दर हम पूरा डीएनए सीक्वेंसिंग की तरफ भी आ चुके हैं, कि हम पूरे डीएनए का सीक्वेंस जो है वो स्टडी कर सकते हैं. तो इसके अलावा इलेक्ट्रोफोरेटिक सेपरेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, हम न्यूक्लिक एसिड्स को डीएनए आरएनए को जो है वो सेपरेट कर सकते हैं इलेक्ट्रो ऑन इलेक्ट्रोफोरेटिक जेल. इसके अलावा हम जीन लेवल पे भी स्टडी कर सकते हैं, डिटेक्शन ऑफ जीन्स कर सकते हैं. इसके आगे फर्दर डिफरेंट टेक्निक्स हैं. अगर हम डीएनए को स्टडी कर रहे हैं तो सॉथर्न ब्लॉटिंग उसको कहा जाता है, और इसमें जो है इनसिटू हाइब्रिडाइजेशन यूज की जाती है या फिश टेक्निक की जाती है. फिश टेक्निक क्या है बेसिकली, या हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक है, कि हम इसमें स्पेसिफिक सीक्वेंस यूज करते हैं जो कि फ्लोरिसेंट लेबल्ड होते हैं. ठीक है, अब हमने एक जीन को जो है वो डिटेक्ट करना है, तो उस जीन के कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस जो है हम उसको फ्लोरिसेंटली लेबल कर लेंगे, और वो अगर स्पेसिफिक जीन हमारी बॉडी में प्रेजेंट है तो उसके साथ जाके अटैच हो जाएगी, और वहां पे फिर उनके अटैचमेंट से फ्लोरिसेंस रेडिएशन निकलते हैं. उन रेडिएशन को जब हम डिटेक्ट कर लेंगे तो हमें बताएगी कि ये स्पेसिफिक जीन्स है या नहीं है, या उसमें म्यूटेशन है या नहीं है.
तुझे हम डीएनए लेवल पे स्टडी कर सकते हैं इन टेक्निक के थ्रू. इसके अलावा हम आरएनए को स्टडी कर सकते हैं और इसको हम नॉर्दर्न ब्लॉटिंग कहा जाता है. और अगर हम प्रोटीन्स को स्टडी करें तो इसको वेस्टर्न ब्लॉटिंग कहा जाता है. इसके अलावा हम इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री यूज कर सकते हैं. इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री क्या है कि ये हम एंटीजन एंटी लेवल पे स्टडी करते हैं, एंटीबॉडी पे लेवल स्टडी करते हैं. ठीक है, हमने डिफरेंट एंटीजन को अगर डिटेक्ट करना है तो उसके अगेंस्ट स्पेसिफिक एंटीबॉडीज यूज की जाती है, वो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्ट करता है. इसके अलावा फिर हम डाइड इंजाइम्स यूज करते हैं जो डाइड होते हैं, कलर्ड होते हैं. तो जब वो एंटीजन एंटीबॉडी एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो इंसान उनके साथ अटैच होके कलर प्रोड्यूस करेंगे और उस कलर प्रोडक्शन के बेस पे हम एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन को डिटेक्ट कर सकते हैं. सो दीज आर द डिफरेंट टूल्स दैट वी कैन यूज इन द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी. अगेन द सेम थिंग दैट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इज अ इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच. ये डिफरेंट डिसिप्लिन्स को जो है उसको कन्वर्ट करके मिक्स करके हम इसको स्टडी करते हैं. वेरियस मेथड्स इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी डायग्नोज द डिफरेंट ह्यूमन डिजीजेस. इसमें हम आप सबको पता है आजकल हम मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके डिजीजेस को डायग्नोज कर रहे हैं. तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के बेस पे हम डिफरेंट ह्यूमन डिजीजेस को डायग्नोज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम अगर एक हेपेटाइटिस की बात करें, हेपेटाइटिस क्या है, वायरल एक डिजीज है, वायरस इसमें इफेक्ट करता है. तो हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के थ्रू जो है वो डिटेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा वायरस बॉडी में है, उसकी कितनी क्वांटिटी, वायरल ओवरलोड कितना है, कौन सी टाइप है जिसने इफेक्ट किया है. तो ये सारी चीजें, वो डीएनए उसका जेनेटिक मटीरियल है या आरएनए वायरस है, तो ये सारी चीजें हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के बेस पे जो है वो स्टडी कर सकते हैं. इसके अलावा मेलिग्नेंसी चेक कर सकते हैं कि बॉडी में किस जीन में जो है म्यूटेशन हो गई है जिसके वजह से एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है. इसके अलावा डिफरेंट जेनेटिक डिजीजेस और ट्रांसप्लांटेशन, पेटर्निटी एंड फोरेंसिक एनालिसिस जितने भी हैं वो हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के बेसिस पे कर सकते हैं. इसके अलावा मोस्ट रिसेंट जो इसका यूज है, हम इसमें फर्दर डिफरेंट ब्रांचेस को जो है वो यूज कर रहे हैं. अप्लाइड टेक्नोलॉजीज जो है इसमें जो है वो हमने यूज किए हैं, लाइक जेनेटिक इंजीनियरिंग. ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के थ्रू जो है हम फोरेंसिक साइंसेस की स्टडीज कर सकते हैं. अब इसके अलावा हम इनमें जो है प्री नेटल और पोस्ट नेटल डायग्नोसिस की तरफ भी आते हैं. प्री नेटल मतलब बिफोर द बर्थ हम इनहेरिटेड डिजीजेस को जो है वो कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, या आफ्टर द बर्थ भी उसको स्टडी कर सकते हैं. तो इस तरह से हम जो है डिजीज डायग्नोसिस में हमें जो है बहुत हेल्पफुल है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी. इसके अलावा हम जीन थेरेपी या ड्रग डिजाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस टेक्निक. मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लॉज द लेबोरेटरी टू बी प्रोडक्टिव इन नेचर. ठीक है, मतलब कि जी हम बता सकते हैं कि किसी पेशेंट को कौन सी म्यूटेशन है और इस म्यूटेशन के बेस पे कौन सी इनहेरिटेड डिसऑर्डर जो है उसको हो सकती है. इसलिए ये इन्फेक्शियस डिजीजेस के डायग्नोसिस में बेसिक रोल प्ले करता है. नाउ द नेक्स्ट इज, ये जो हमने पीछे पढ़ा है इट्स अबाउट द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी. नाउ द नेक्स्ट इज जेनेटिक्स. जेनेटिक्स आपने पीछे पढ़ी हुई है तो ये इसमें हम ओवरव्यू करेंगे. जेनेटिक्स बेसिकली इट्स अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी कंसर्न विद द स्टडी ऑफ जीन्स. ठीक है, हम इसमें जीन्स जेनेटिक जीन लेवल पे जो है स्टडी करते हैं. इसके अलावा जेनेटिक वेरिएशन, व्हाई ह्यूमंस आर डिफरेंट फ्रॉम वन पर्सन इज डिफरेंट फ्रॉम अदर पर्सन. तो ये जेनेटिक वेरिएशन जो है उसको स्टडी करते हैं. इसके अलावा हेरिडिट्री, कि ये जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है ये इनहेरिटेंस में किस तरह से हो रही है, तो इस सब को हम जेनेटिक्स में स्टडी करते हैं. अब सबको पता है कि जो इसमें फर्स्ट जेनेटिक साइंटिफिकली जो उसने स्टडी की थी, इट्स ग्रेगर मेंडल. ठीक है, 19th century में उसने ट्रेट इनहेरिटेंस पे काम किया था. पी प्लांट्स यूज करके जो है उसने यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस पे काम किया था. उसने तब जीन्स को जो है वो नाम दिया था यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस का. आज मोस्ट रिसेंट फॉर्म में हम उसको जीन्स कहते हैं. तो ये सारा काम जो फर्स्ट टाइम जो है ग्रेगर मेंडल ने किया था इन 19th century. इसमें हम क्या क्या स्टडी करेंगे जेनेटिक्स में, इसमें हम स्टडी कर सकते हैं फीचर्स ऑफ इनहेरिटेंस, के मतलब इनहेरिटेंस किस तरह से आ रही है. मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, डीएनए और क्रोमोसोम की क्या बेसिस है.
रिकॉम्बिनेशन जेनेटिक लिंकेज, रिकॉम्बिनेशन किस तरह से हो रही है, जीन एक्सप्रेशन किस तरह से हो रही है, जीन रेगुलेशन किस तरह से हो रही है, जेनेटिक चेंजेस, इफ देयर इज एनी म्यूटेशन अपीयर इन द जीन्स देन वी कैन स्टडी दैट म्यूटेशंस, उसको हम स्टडी कर सकते हैं. और फर्दर हम अब डीएनए सीक्वेंसिंग की तरफ आ चुके हैं कि हम डीएनए का सीक्वेंस जो है फुल स्टडी कर सकते हैं कि किस, और ये इससे हमें क्या पता चलेगा कि हम एट द लेवल ऑफ बेस, सिंगल बेस हम उसको स्टडी कर सकते हैं किस बेस पे जो है वो म्यूटेशन आई है और उसकी वजह से कौन सी चेंज आएगी बॉडी में. तो ये सारी चीजें हम जेनेटिक्स में स्टडी कर सकते हैं. फॉर द नेक्स्ट इज व्हाट इज जीनोम. तो जीनोम बेसिकली क्या होता है, जीनोम एक पर्सन में जितना टोटल जेनेटिक इंफॉर्मेशन है और जब हम उसको स्टडी करते हैं तो उसको जीनोम कहा जाता है. आप सबको पता होगा कुछ जीन्स जो होती हैं, कुछ सीक्वेंस जो होता है वो कोडिंग सीक्वेंस होता है, कुछ नॉन कोडिंग सीक्वेंस होता है. तो जब हम इन दोनों को पढ़ेंगे, कोडिंग और नॉन कोडिंग सीक्वेंस को, तो फिर हम इसको जीनोम कहते हैं. जीनोम इज द इंटरनिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन. ठीक है, मतलब टोटल जो उसका हेरिडिटरी मटेरियल है, टोटल उसका जो डीएनए है उसको स्टडी किया जाता है. इट इज इनकोडेड इधर इन डीएनए और फॉर मेनी टाइप्स ऑफ वायरसेस, वायरसेस में आरएनए में भी हो सकती है. द जीनोम इंक्लूड बोथ द जीन्स एंड द नॉन कोडिंग सीक्वेंस ऑफ द डीएनए. ठीक है, मतलब हम दोनों पार्ट्स को जो है स्टडी करते हैं, फुल जीन्स को जब हम स्टडी करते हैं तो उसको जीनोम कहा जाता है. नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट इज जीन. मोस्ट जो है हमारा पढ़ा जाने वाला, जो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि जीन है क्या बेसिकली. तो जीन क्या है, इट्स एन इनहेरिटेंस यूनिट. सबसे बेसिक यूनिट है जो कि इनहेरिटेंस को कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन. ये डीएनए से मिलकर बनी होती हैं जीन्स. ठीक है, तो जीन्स हैं क्या, जीन इज द बेसिक फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटरी. जीन्स आर मेड अप ऑफ डीएनए. सम जीन्स एक्ट एज इंस्ट्रक्शंस टू मेक मॉलिक्यूल्स कॉल्ड प्रोटीन्स. आप सबको पता है कि जीन्स जो है आगे फर्दर हर जीन का जो है मैसेंजर आरएनए में कन्वर्ट होती है, फिर उससे जो है प्रोटीन्स जो है वो बनती है. कुछ जीन्स होती हैं दे आर नॉन कोडिंग जीन्स एंड दे डोंट कोड फॉर द डिफरेंट प्रोटीन्स इन आवर बॉडी. So that is non-coding proteins and non-coding genes. Human genes vary in size. Different genes का size जो है vary हो सकता है, मतलब उनका size बहुत छोटी genes भी होती हैं और बहुत बड़ी genes भी हो सकती हैं जिनमें million bases हो सकती हैं. So इनका size जो है variable होता है. The human genome project, जो genome project है उसके according जो है ह्यूमंस में ऑलमोस्ट 20,000 से 25,000 तक जीन्स हो सकते हैं. जीन्स आर मेड अप ऑफ डीएनए. ईच क्रोमोसोम कंटेन मेनी जीन्स. डीएनए के अंदर आप लोगों को पता है क्या होता है, क्रोमोसोम होता है और क्रोमोसोम के अंदर क्या होती है, जीन्स होती हैं और एक क्रोमोसोम के अंदर बहुत सारी जीन्स हो सकती हैं. दिस इज द इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच कि हम किस तरह से डिफरेंट जो है फील्ड्स को मर्ज कर रहे हैं इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में. हम उसको प्रोटीन लेवल पे जो है स्टडी करते हैं, इन बायोकेमिस्ट्री उसके फंक्शन को स्टडी करते हैं, फिर उसके जो जेनेटिक्स को स्टडी करते हैं, उसके जीन लेवल को स्टडी करते हैं और फिर जीन्स किस तरह से जो है वो कन्वर्ट हो रही है टू द प्रोटीन्स, किस तरह से वो उसकी कन्वर्जन हो रही है टू द डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, उसको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में स्टडी करते हैं. सो इट्स एन इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच. सो दिस इज द एंड ऑफ योर लेक्चर. नाउ यू कैन गो फॉर योर क्वेश्चंस. हाँ जी बच्चों, समझ आया है तो कोई क्वेश्चन है वो आप लोग पूछ सकते हो. अच्छा, कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? नो मैम. नो मैम. कोई भी क्वेश्चन नहीं, समझ ही नहीं आया क्या? नहीं मैम, समझ आ गई. आ गई मैम. सारा मैम ही मोस्टली चीजें हमने पहले भी पढ़ी हुई, पहले पढ़ी हुई है ना, इसलिए मैम ऐसे भी इंट्रोडक्शन नहीं. तो फिर क्वेश्चन बनता था ना कोई तो, अगर आपने सब कुछ पढ़ा हुआ था तो. मैम
फिश टेक्निक ठीक से पढ़ने बैठेंगे तो बन जाएंगे. अच्छा समझ आ गई है ना, कोई कोई क्वेश्चन तो नहीं, कुछ पूछने वाला तो नहीं है? नो मैम नो. अच्छा सेकंड आप लोगों की अटेंडेंस जो है मेरे पास ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो जाती है जूम मीटिंग्स में, ठीक है? तो मैं वहां से आप लोगों की अटेंडेंस मार्क कर लूंगी और उसमें मुझे ये भी पता चल जाएगा कि कौन से बच्चे ने कितनी देर के लिए मीटिंग अटेंड की है. और अगर आजकल क्योंकि 1 आवर का है तो हम लेस देन 10 मिनट्स अगर किसी की होगी तो उसकी एब्सेंट मार्क होगी बेटा, जो आप लोग प्रॉपरली जो है अपनी मीटिंग्स को ज्वाइन किया करो, ठीक है? और सेकेंड आप लोगों का ये जो एक प्रॉब्लम आ रहा है कि ईमेल नहीं आ रही है, व्हाई दिस इज द प्रॉब्लम, ये क्यों हो रहा है? ये इस वजह से हो रहा है कि अभी आप लोग जो मर्ज हुए हैं स्टूडेंट्स फ्रॉम द बी सेक्शन टू सी आर एनी अदर सेक्शन, उससे क्या हुआ कि अभी आप लोगों की लिस्ट बाकी सेक्शन में अपलोड नहीं हुई. अब मैंने सी सेक्शन की जो लिस्ट ली है वो सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए जो सी सेक्शन में शो हो रहे थे, क्योंकि बी सेक्शन में तो कुछ बच्चे ए में गए हैं, कुछ सी में गए हैं और कुछ डी में गए हैं, तो मुझे नहीं पता चल सकता कि सी में कौन से आए हैं. तो भी जब आपका मर्ज होगा एलएमएस के ऊपर जो है तो फिर आप लोगों का ये प्रॉब्लम रिजॉल्व होगा. आज मैं कोऑर्डिनेटर से बात करूंगी ताकि वो आप लोगों का ये प्रॉब्लम जो है रिजॉल्व करें और आप लोगों को ये प्रॉब्लम ना आए. तो जैसे ही मर्ज होता है ऑन एलएमएस तो मैं आप लोगों की लिस्ट अपलोड अपडेट कर दूंगी, जिससे जो है वो सब लोगों को जो है ईमेल्स रिसीव होना शुरू हो जाएंगे. ओके मैम. ठीक है. इसके अलावा कोई और प्रॉब्लम है अदर देन दिस के ईमेल रिसीव नहीं हो रही? सेकंड मैंने कल आपको ईमेल भी कर दी थी कि आप लोगों के अब सारे लिंक्स जो हैं एलएमएस पे अवेलेबल होंगे, ठीक है? तो आप एलएमएस के थ्रू ही उसको ज्वाइन कर सकते हो. और थर्ड आप लोग जो है अपना एक क्लास का जो है अपना एक ग्रुप बना लो, ताकि आप लोगों का अगर किसी का मिस भी हो जाता है कुछ तो उसको अपने ग्रुप में जो है वो पता चल सके. व्हाट्सएप ग्रुप आप लोग अपना क्रिएट कर सकते हो, इट विल नॉट ऑफिशियल, ठीक है? लेकिन ये आप लोगों की आपस की कम्युनिकेशन के लिए बेहतर रहेगा, ठीक है? आप लोग आई थिंक जो फिफ्थ सेमेस्टर है आप लोगों का, तो आपको ये सारी चीजें पहले से ही पता होंगी. सो तो उस ग्रुप को आप लोग अपना क्रिएट कर लो ताकि आप लोगों को किसी बच्चे की कोई चीज मिस ना हो, ठीक है? ओके मैम. लेक्चर कहाँ पे अपलोड करेंगे, एलएमएस पे या मेल करेंगी? नो नो नो, एलएमएस पे मैं आपका जो है वो लेक्चर अपलोड करूंगी. ओके मैम. आप लोगों का जो लिंक है रिकॉर्डिंग्स का गूगल ड्राइव का लिंक जो है वो मैं शेयर कर दूंगी एलएमएस के ऊपर ही, तो आपकी रिकॉर्डिंग्स में उसमें अवेलेबल जो जैसे जैसे रिकॉर्डिंग्स आती जाएंगी वो उसमें ऐड होती जाएंगी, ठीक है? तो आपका जो है ये एलएमएस पे ही अपलोड होगा आपका लेक्चर भी और रिकॉर्डिंग लिंक भी, ठीक है? और बाकी मटेरियल जो है वो सब कुछ आप लोगों को पता ही एलएमएस के थ्रू आजकल सब कुछ ही होता है, तो आप लोग एलएमएस में जो एलएमएस के थ्रू जो है सारी चीजें कर सकते हैं. बाकी मैंने आप लोगों को अपलोड कर दिया था वर्क प्लान, एफएसएफ काउंसलिंग आवर्स जो है वो भी अपलोड कर दिए थे. बाकी आप लोगों का जो रह गया है असेसमेंट प्लान जो है वो मैं नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह करूंगी, ताकि आप लोगों को अभी से पता चल जाए कि आप लोगों की असेसमेंट्स कौन कौन सी होंगी और वो कब कब होंगी. ठीक है, तो आप अपना सारा मटेरियल जो है वो एलएमएस के थ्रू जो है वो ले सकते हैं. और इसमें से आप लोग पढ़ लेना, अगर कोई भी क्वेश्चन अभी भी हो रहता हो, मतलब यहाँ पढ़ के कोई क्वेश्चन आता हो तो आप नेक्स्ट क्लास में जो है स्टार्ट भी पूछ सकते हैं, मैं भी आपसे पूछ सकते हैं आपके क्वेश्चंस कि आप लोग पढ़ के आए हो या नहीं पढ़ के आए. तो डेट्स का इम्पोर्टेंट तो नहीं है ना जी? डेट्स जो है सारी नहीं नहीं बट आपको बेसिक जो इतनी डेट्स थी भी नहीं वैसे वहाँ पे, लेकिन ये पता होना चाहिए कि ये कब 1930s में इसका काम स्टार्ट हुआ, फिर उसमें जो है
आगे किस तरह से 1938 में उसका नेम कॉइन हुआ, फिर उसमें फर्दर जो एडवांसमेंट हुई 1953 में ऑलमोस्ट हुए, तो मतलब 1960s तक जो है वो ये काम कंप्लीट हुआ था. फिर आगे फर्दर उसमें सारी एडवांसमेंट्स हैं कि एडवांस लेवल पे वो किस तरह से चीजें कही, डिफरेंट और डिसिप्लिन्स को हमने उसके साथ मर्ज किया और उसको और एडवांस लेवल पे लेके आए. मैम इसकी कोई रेफरेंस बुक है? बेटा मैंने रेफरेंस बुक जो है वो रेफरेंस बुक्स भी बुक कर दी हैं, आप लोग उनमें से कोई एक बुक ले सकते हो, ठीक है? कोई भी बुक ले लो आप इसमें से. ओके मैम. मैंने अपने लेक्चर्स में भी उसका लिंक दिया होता है, लिंक नहीं उसका नेम दिया होता है, तो आप लोग तो अपना जो है वो ले सकते हो बुक को. मैम जी, मैम आपने डीएनए में फिश टेक्निक बताया, वो काइंडली दोबारा रिपीट. अच्छा, फिश टेक्निक जो है बेसिकली हम उसको मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके जीन्स लेवल पे जाके स्टडी करते हैं. फिश टेक्निक है क्या इसमें? इसमें हम डिफरेंट फ्लोरिसेंट लेबल जो है प्रोब्स यूज करते हैं. प्रोब्स अब क्या होते हैं? प्रोब्स होते हैं स्पेसिफिक जो है जेनेटिक इंफॉर्मेशन मटीरियल होता है या सीक्वेंस होता है, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है, ठीक है? वो स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस क्या होता है कि हम जिस जीन को डिटेक्ट करना चाह रहे हैं बॉडी में उसके अगेंस्ट हमने जो है वो बनाया होता है, ठीक है? फिर हम उस प्रोब को जो है वो फ्लोरिसेंटली लेबल करते हैं, फ्लोरिसेंट कर देते हैं, लेबल कर देते हैं. जब वो स्पेसिफिक जीन के साथ हमारी बॉडी में अटैच होगी जाके, तो उस जब अटैचमेंट होगी तो वहां से फ्लोरिसेंस रिलीज होगी. फ्लोरिसेंस क्या होती है? लाइट रेज जो है वो इमिट होंगी. तो वो इमिट जब होंगी फ्लोरिसेंट जो है फ्लोरिसेंस वहां से रिलीज होगी, तो फिर हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं कि वहां पे वो स्पेसिफिक जीन जो है वो प्रेजेंट है, या फिर इसको हम म्यूटेशन को चेक करने के लिए यूज कर सकते हैं. तो ये बेसिकली मॉलिक्यूलर लेवल पे जेनेटिक लेवल पे हम इसकी स्टडी कर सकते हैं. हाँ जी, कोई और क्वेश्चन है? नो मैम, थैंक यू. चलिए ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा आप सब लोग. आपकी अटेंडेंस मैं मार्क कर दूंगी. ओके. और सेकंड अपना लेक्चर जरूर पढ़ के आना नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज़.